छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल 6 इंटर्न डॉक्टरों ने मेडिकल काउंसिल से शिकायत की, उन्हें रिम्स में इंटर्नशिप की है, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने उन्हें इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप भत्ता नहीं दिया। इसी विवाद को सुलझाने के लिए काउंसिल के एथिक्स कमेटी की बैठक रखी गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बैठक में कोई भी नहीं पहुंचा, जिसके चलते छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल विवाद सुलझाने के लिए रिम्स को 2 या 3 दिन का लास्ट अल्टीमेटम देगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एथिक्स कमेटी की बैठक में पहुंचे इंटर्न डॉक्टरों ने कॉलेज पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बैठक के लिए गए थे हम उनके पास, तो वो ये बोल रहे थे कि आपने 23 तारीख को जहाँ जहाँ शिकायत की है उसके बाद से 3 दिन का आप एक्सटेंशन ले लीजिए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि आपने जो शिकायत किया है वो गलत शिकायत है और बाकी जितने पैसे आपके होते हैं इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट सारे चीज़ ले जाएँ। तो हम ये कैसे मान लें जब हम गलत नहीं हैं तो हम अपनी शिकायत क्यों वापस लें? हम ये लिख के देने के लिए उनको तैयार थे कि आप हमारा हर चीज़ दे दे रहे हैं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेंगे, हम ये लिख के दे सकते हैं, किंतु हम ये लिख के तो नहीं दे सकते कि हमने जो शिकायत की है वो गलत है। हमको हमारे इंटर्नशिप किए हुए 1 महीने लगभग हो गए हैं, लेकिन अभी तक के हमारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया और अभी तक के हमें उसका कारण भी नहीं बताया गया क्यों हमारा सर्टिफिकेट रोका गया है।